नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी खबर सीधे सलमान खान से जुड़ी हुई निकल कर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि सलमान खान की इस खबर को सुनने के बाद सीधे सीधे परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि सलमान खान ने एक हथियार को लेकर के झूठी शपथ दी थी और इस शपथ को सुनने के बाद सलमान खान को जेल भी हो सकती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सलमान खान ने कोर्ट में दिया था हथियार के लाइसेंस गुम होने का झूठा शपथ पत्र, 18 साल बाद माफी भी मांगी है। जी हाँ, बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान काला हिरण शिकार मामले के दौरान आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कराए थे। इस मामले में जब सलमान खान से लाइसेंस मांगा गया तो उन्होंने कोर्ट में एक हलफनामा पेश करते हुए बताया था कि उनका लाइसेंस कहीं खो गया है। अब 18 साल बाद ये शपथ पत्र झूठा निकला है। 9 फरवरी को इस मामले पर जोधपुर कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई है। कोर्ट इस मामले पर 11 फरवरी को अपना फैसला सुनाया था। सुनवाई के दौरान सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट में कहा था कि 8 अगस्त 2003 को गलत शपथ पत्र दे दिया गया था, ये भूल अनजाने में हुई है। बता दें कि साल 1998 में काला हिरण शिकार मामले में जब सलमान को गिरफ्तार किया गया तो कोर्ट ने उनसे हथियारों का लाइसेंस भी मांगा था। साल 2003 में कोर्ट में शपथ पत्र देकर सलमान ने बताया था कि उनका लाइसेंस कहीं खो गया है। एफआईआर की कॉपी भी कोर्ट में पेश हुई थी, लेकिन कोर्ट ने ये पाया कि सलमान का लाइसेंस कहीं गुम नहीं हुआ था, बल्कि सलमान खान ने सीधे सीधे एक सफ़ेद झूठ बोल दिया था। उन्होंने खुद लाइसेंस के रिन्यू के लिए हथियार लाइसेंस नवीनीकरण शाखा में पेश किया हुआ था। इसके बाद तत्कालीन लोक अभियोजक भवानी सिंह भाटी ने कोर्ट से CRPC 340 के अंतर्गत एक अर्जी पेश कर गुहार लगाई है कि सलमान खान पर कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास करने पर मुकदमा दर्ज किया जाए। इस मामले में जिला एवं सत्र जिला जोधपुर कोर्ट में 9 फरवरी को सुनवाई भी हुई। दूसरी तरफ सुनवाई के दौरान सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने बहस करते हुए ये दलील दी कि सलमान खान एक बड़े सितारे हैं और वो काम के चलते बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इसी वजह से सलमान खान भूल गए थे कि लाइसेंस नवीनीकरण के लिए पेश हुआ है। सारस्वत ने सलमान खान को उक्त मामले में बरी करने की अपील की है। दोनों पक्षों की तरफ से बहस खत्म कर ली गई। कोर्ट में सलमान के अधिवक्ता ने ये स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती अनजाने में हुई है। इस मामले में सलमान खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। बता दें कि झूठे शपथ पत्र न्यायालय में पेश करना या झूठी गवाही देने के मामले में अधिकतम 7 साल की सजा है। वहीं सरकार ने सलमान खान के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश करते हुए IPC की 193 के तहत मुकदमा दर्ज चलाने की मांग की। अब सलमान को कोर्ट के फैसले का फाइनली इंतजार भी रहेगा। तो आपको बता दें कि सलमान खान जो हैं, उनकी परेशानी निरंतर इस वजह से बढ़ती जा रही है क्योंकि काला हिरण मामले में जिस हिरण पर उन्होंने शिकार किया था, जिस गन से, अब उस गन का लाइसेंस जो है उनके पास होते हुए भी इन्होंने झूठ बोला था और इसी वजह से अब इनकी परेशानी बढ़ेगी और हो सकता है कि इनको 7 साल तक की सज़ा भी हो जाए। आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या सलमान खान को रियल में ही आने वाले दिनों में एक बड़ी सजा होने वाली है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।